एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम। तो दोस्तों, जो मैं सर्विस करता हूं एसी की विंडो या स्प्लिट हो या कोई सा भी, तो कौन सा मैं जेट पंप यूज करता हूं, पानी वाला, स्प्रे वाला, ठीक है दोस्तों, ये यही है काचर कंपनी का। दोस्तों ये बहुत हौला और अच्छा है, बेस्ट क्वालिटी का, ठीक है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए, ये इसका नोजल है, ठीक है। अब मैं सारा सामान दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए, ये इसका मतलब नोजल में पाइप में लगाने वाला नोजल है, ठीक है। और दोस्तों देखिए, ये पानी वाला पाइप है जो बाल्टी में जाता है, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों, ये जो स्प्रे मारते हैं, पानी मारते हैं कूलिंग कॉइल में, वो वाला है। दोस्तों ये लंबा दे रखा है ताकि दूर तक जब जेट पंप या आप नहीं पहुँच पाए तो वो लगाए। देखिए दोस्तों, गन है ये वाला, ठीक है। तो गन नीचे गिर गया, सॉरी नोजल नीचे गिर गया था, ठीक है। और दोस्तों देखिए, ये जेट पंप है, ठीक है। तो अभी मैं इसको चला के भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए चलाते हैं, देखिए सारा सामान कैसे लगाना है दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको। तो वीडियो को लास्ट देखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को। दोस्तों ये फिल्टर है, जब कोई कचरा जाएगा दोस्तों तो यहीं से ये साफ़ हो जाएगा, ठीक है। और ये बहुत हौला है काचर का जेट पंप है दोस्तों, 7600 का पड़ा है विथ GST, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, इसको मैं खोल के दिखाता हूँ, मैं लगा दिया था। तो इसको कैसे लगाएंगे हम, तो देखिए ऐसे खुला रहेगा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले तो वो डाल देंगे, फिर इसको घुसाएंगे। अब दोस्तों इसको हम कस देंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो कस दिया मैंने, अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको दोस्तों यहाँ पे कस देंगे, ठीक है। और ये वाला पाइप में दोस्तों एक और लगेगा नोजल, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ आप सभी को। देखिए दोस्तों, ये जो दोस्तों जेट पंप जिसमें गन लगाऊंगा वो है जो कूलिंग कॉइल पे या एसी पे मारेंगे, तो वो वाला साइड ही है। तो इसको इधर लगाएंगे, इधर दोस्तों स्विच भी है ऑन ऑफ करने का, ठीक है। अब दोस्तों एक और नोजल है इस पाइप में लगाने का, ठीक है। यही पाइप दोस्तों बाल्टी में जाएगा, ठीक है, जिसमें पानी होगा। तो इसको मैं फूंक कर देखता हूँ दोस्तों, ये पूरा ब्लॉक होता है, वन साइडेड होता है ये, ठीक है। तो इसको मैं कुछ दोस्तों इसका ढक्कन खोल लूँगा और इसको अंदर डाल दूँगा मैं, सॉरी पहले तो मैं ढक्कन डालूंगा, उसके बाद दोस्तों ये वाला डाल दूंगा और इसको मैं कस दूंगा, ठीक है। देखिए कस दिया मैंने, अब दोस्तों इसको पानी वाला बाल्टी में हम डालेंगे, ठीक है। उसके बाद एसी की सर्विस करेंगे। तो देखिए इसको हम कुछ इस प्रकार से नोजल को गन में लगा देंगे। तो लगा दिया मैंने, ठीक है दोस्तों। देखिए बहुत बढ़िया तरीके से दोस्तों चारों तरफ घूमता है ये, 360 डिग्री घूम जाता है, तो किसी भी कोने में पानी चला जाएगा आपको गन से, ठीक है। तो देखिए अब मैं स्विच को मैं लगा देता हूँ इसका वायर, तो यहाँ लगा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। लगा दिया मैंने, अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, पिचकस लगाना पड़ेगा, जा नहीं रहा अंदर, ठीक है। तो लगा दिया मैंने, अब दोस्तों देखिए पानी लाया मैं, तो इस वाले को मैं पीला वाले को मैं पानी में डाल दिया हूँ, पाइप को, पीला वाला पाइप को पानी में, ठीक है। देख सकते हैं सेम ऐसा ही लगाना है आपको भी। और दोस्तों वहाँ से स्विच ऑन कर दिया। अब दोस्तों देखिए, पानी पहले दोस्तों बाल्टी में निकाल लेना है, ठीक है। इसको निकालने के बाद ही गन में लगाना है। तो देखिए पानी आएगा अभी धीरे धीरे, ऑन कर रहे, देखिए दोस्तों पानी आया, पानी आ गया ना, अब गन में लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये बहुत अच्छा है जेट पंप सर्विसिंग के लिए, कार भी सर्विस कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है ये, तो आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब मैंने बंद कर दिया स्विच से पहले, उसके बाद दोस्तों इसमें घुसा दूंगा और स्विच ऑन कर दूंगा। देखिए ऑन कर दिया, और दोस्तों देखिए जितनी बार दबाएंगे उतना बार ये चलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।